नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है और एक बार फिर से फाइनल के लिए हो जाइए तैयार। ये फाइनल खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच। कह सकते हैं कमाल का फाइनल होने वाला है। दोनों टीमें जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं। दोनों टीमों ने टेबल के पहले और दूसरे स्थान पर जगह बनाई थी। पहला क्वालिफायर चेन्नई और गुजरात के बीच खेला गया था, जिसमें गुजरात को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब फाइनल में फिर से एक बार सामने होंगी दोनों टीमें सामने होंगी। तो कहीं ना कहीं सीएसके के जो फैंस है वो यही चाहेंगे कि सीएसके इस बार पांचवी बार ट्रॉफी जीते और एमएस धोनी का जो आखिरी आईपीएल बताया जा रहा है, इस पर भी एमएस धोनी एक खिताब जीतकर रिटायरमेंट ले। तो क्या लगता है गुजरात के किन किन खिलाड़ियों को आउट करके या कहें किन किन गेंदबाजों से बचकर ये खिताब जीता जा सकता है? चलिए नजर डालते हैं। अगर आप सीएसके के फैंस हैं तो आपके बल्लेबाजों से इन इन खिलाड़ियों से बहुत खतरा है। गेंदबाजों की बात करेंगे, बल्लेबाजों की बात करेंगे और नजर डालेंगे आखिर कैसे चेन्नई सुपर किंग खिताब जीत सकती है। पहले बात करते हैं गुजरात के बल्लेबाजों की। पहला नाम तो बहुत ही खतरनाक है इस वक्त, ऑरेंज कैप उसके पास है, नाम है शुभमन गिल। ऑरेंज कैप होल्डर 851 रन बना चुके हैं और इस बार कह सकते हैं कि इस फॉर्म को जैसे प्रचंड फॉर्म कह सकते हैं। 3 शतक लगा चुके हैं अब तक इस पूरे सीजन में और 4 अर्धशतक लगाए हैं। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनसे तो बचना बहुत जरूरी है भाई। अगर आप इन्हें आउट कर लेते हैं शुरुआत में तो कहीं ना कहीं गुजरात की टीम लड़खड़ा जाएगी। दूसरा नाम है खुद कप्तान हार्दिक पांड्या का, जो 325 रन बना चुके हैं अब तक, अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। कह सकते हैं गेंदबाजी नहीं करते लेकिन बल्लेबाजी में जरूर दमखम दिखाते हैं और बड़े बड़े हिट लगाते हैं। तीसरा नाम है रिद्धमान साहा का, 317 रन बना चुके हैं अब तक, ये भी जल्दबाजी में आउट होते हैं लेकिन बड़े मैच के ये भी प्लेयर माने जाते हैं। पिछले बार फाइनल में बढ़िया पारी खेली थी और इनके टीम को चैंपियन बनाया था, तो इनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। फिर नाम आता है विजय शंकर, तूफानी पारियां खेलते हैं और कह सकते हैं कि पूरी तरह से मैच का रुख पलट सकते हैं, इनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। एक नाम है डेविड मिलर, कमाल नहीं हो रहा अब तक, बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं है, 259 रन बनाए लेकिन फिर भी ये बड़े मैच का खिलाड़ी है और फाइनल में तो जरूर चलता है, पिछली बार भी चला था, इनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। तो ये 5 खिलाड़ियों को अगर सीएसके की गेंदबाज चलता कर दे तो कहीं ना कहीं चेन्नई के लिए राहत की सांस लेने वाली बात होगी। चलिए नजर डालते हैं वो कौन से गेंदबाज गुजरात के जिनसे सीएसके के बल्लेबाजों को बच के रहना होगा। बच के नहीं भाई, बहुत बच के रहना होगा। इनके जिस गेंदबाज का आप नाम लेंगे वही पर्पल कैप की रेस में बना हुआ है। पहला नाम मोहम्मद शमी, जिनके पास इस वक्त पर्पल कैप है, 28 विकेट चटका चुके हैं, इकोनॉमी है 7.95 की, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। नंबर दूसरे पे जो नाम है वो भी गुजरात टाइटंस का ही खिलाड़ी है, नाम है राशिद खान। जी हाँ, राशिद ने अब तक 27 विकेट चटकाए हैं और इकोनॉमी है 7.93 की। तीसरा नाम है वो भी गुजरात का ही प्लेयर, जी हाँ, मोहित शर्मा, कल 5 विकेट चटकाए थे, आज कह सकते हैं तीसरे पायदान पर विकेट टेकिंग के मामले में 24 विकेट चटका चुके हैं। इस बार कमबैक सीजन था, पिछली बार गुजरात के लिए नेट बॉलर थे, इस बार फुल टाइम बॉलर बने और कह सकते हैं कि अपनी जगह बिल्कुल पक्की कर ली है। अब तक इकोनॉमी की बात करें इनके, तो इनकी भी इकोनॉमी 7.89 है, यानी तीनों गेंदबाज 8 से कम की इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं। अब ऐसे में गुजरात सीएसके के बल्लेबाज इन्हें कैसे पिटाई करेंगे, कैसे बड़ा स्कोर करेंगे, ये तो सीएसके के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। फिर बात करते हैं एक और खिलाड़ी है, नाम है नूर अहमद, हर मुकाबला लगभग खेलते हैं। अगर बात करें नूर ने 12 मुकाबलों में 14 विकेट चटकाए हैं। गुजरात का अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन्हें कुछ खास ही रास आता है, इसलिए इनसे भी सीएसके के बल्लेबाजों को सावधान रहने की जरूरत है। तो ये 5 नाम थे कह सकते हैं कि जो गुजरात के मजबूत किला है, इसे भेद पाना आसान नहीं है। कल गुजरात ने पहले बल्लेबाजी की थी मुंबई इंडियंस के खिलाफ और जबरदस्त जीत दर्ज की थी, इसलिए आज ये मुकाबला बहुत रोमांचक हो जाएगा जब ये खेला जाएगा और कहीं ना कहीं फाइनल है तो फाइनल में माहौल बनेगा। और हाँ, जो भी गुजरात के फैंस हैं वो उम्मीद करें कि जो सीएसके के बल्लेबाज ना चले, वरना सीएसके के बल्लेबाज भी बहुत जबर फॉर्म में हैं। अगर आप हार्दिक पांड्या के फैंस हैं तो आप हार्दिक पांड्या की तरफ से उम्मीद करिए कि ये खिलाड़ी जो सीएसके के हैं वो ना चले। वहीं अगर आप एमएस धोनी के फैंस हैं तो एमएस धोनी से चाहेंगे कि गुजरात के शुभमन गिल को आउट किया जाए और इन 3 गेंदबाजों से बचा जाए। तो फिलहाल क्या लगता है कौन सी टीम इस बार का आईपीएल का खिताब जीतेगी, चेन्नई सुपर किंग या फिर गुजरात टाइटंस, कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।